मैं देवेश देवांगन आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग जो पाई चार्ट और टेबल वाला जो दोनों वाला लेकर चल रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग एक प्रश्न ऐसा ऑलरेडी देख लिया है, इस पार्ट में भी वैसा ही कुछ रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको पाई चार्ट ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, नीचे टेबल डिस्प्ले होगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन या जो क्वेश्चन आने वाला है वो डिस्प्ले होगा और जो बाकी जगह बच जाएगा वहां सॉल्यूशन डिस्प्ले होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिए गए पाई चार्ट में 3000 विद्यार्थियों के नौकरी में प्लेसमेंट के समूहों को दर्शाया गया, अलग अलग जगह प्लेसमेंट लेते हैं उसको दर्शाया गया है और नीचे तालिका में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात बताया गया है। पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जैसे पहला था वैसा ही है। इन द गिवन पाई चार्ट प्लेसमेंट इज डिस्प्लेड ऑफ 3000 स्टूडेंट्स इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स स्टेटेड इन द टेबल। आंसर द क्वेश्चन बाय रीडिंग द पाई चार्ट इन द टेबल। दोनों को अध्ययन करके, दोनों को पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इजी है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कितनी महिला विद्यार्थियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहा होगा। हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट गॉट प्लेसमेंट इन मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इसके लिए सबसे पहले यह करना है, सबसे पहले तो आप देखिए ऊपर पाई चार्ट में मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वहां तो एबीसीडी दिखाई दे रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग नीचे देखेंगे टेबल में, नीचे टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी डी ई, अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, उसके नाम भी दिखाई दे रहे होंगे वहीं पे, और दूसरे तरफ क्या दिखाई दे रहा है हमको, अनुपात दिखाई दे रहा है, रेशियो दिखाई दे रहा है। तो वो उसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो पहले देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनीज ए दिखाई दे रहा है, तो ए उधर देखेंगे, ए क्या करेंगे उधर देखेंगे, ए में आपको क्या दिखाई दे रहा है वहां पे, कितना परसेंट, 20% दिखाई दे रहा है। तो टोटल नंबर कितने वहां पे स्टूडेंट्स 3000 है, तो 3000 का 20% ले लेंगे, यानी कि 20/100 ले लेंगे। उसके बाद क्या किया हुआ यहां पे, हमको चाहिए फीमेल स्टूडेंट, महिला विद्यार्थी चाहिए। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी में जो रेशियो दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है मेल और फीमेल के बीच में, तो जो 2 वाला पार्ट है वो किसका है, फीमेल का है, तो 2/ टोटल पार्ट कितना हो जाएगा 1+2 3, तो 2/3 कर लेंगे। 2/ क्या कर लेंगे हम लोग, 3 कर लेंगे, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं जो पिछला हम लोग ने ऑलरेडी बनाया हुआ है रेशियो का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 400। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 400। मेन क्या है, पहला स्टेप लिखना है, जहां पे आप डेटा उठाते हैं टेबल से और पाई चार्ट से, वो मेन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और जो भी आपका डाउट बच गया होगा, वैसे तो अभी तक कुछ नहीं बचा होगा लेकिन जो बच गया होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय संगठन में कितने पुरुष विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ। हाउ मेनी मेल स्टूडेंट गॉट प्लेसमेंट इन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है उसको पहले खोजो आप लोग। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहां पे दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय संगठन डी दिखाई दे रहा है। ठीक है, डी है, तो डी वाला आपको क्या देखना है, फिर परसेंटेज देखना है, परसेंटेज डी वाला दिखाई दे रहा है 15%, तो 3000 का हम लोग क्या कर लेंगे 15% ले लेंगे, 3000 का क्या कर लेंगे हम लोग 15% ले लेंगे। उसके बाद रेशियो को देखेंगे, वही राष्ट्रीय संगठन में जाएंगे, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग रेशियो क्या देखेंगे, रेशियो क्या दिखाई दे रहा है वहां पे 4:5 दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से 4:5 दिखाई दे रहा है, 4:5 में हमको क्या लेना है, मेल्स का लेना है, तो इधर वाला पार्ट क्या है, मेल का है, 4 out of 4+5 that is 9, 4/9 कर लेंगे, क्योंकि जो दोनों रेशियो रहता है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं टोटल निकालने के लिए, तो 4/ क्या कर लेंगे 9 कर लेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 3000 × 15/100 × 4/9 ये आ जाएगा 200, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए मैं इसको आपको बार बार बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इजी इजी क्वेश्चन ही बता रहा हूं, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं मैं ज्यादातर उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कितने विद्यार्थी पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण रहे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन द कोर्स। देखो यहां पे कितने हुए, आप सीधे सीधे टेबल को पढ़ते चले जाइए तो आपको मिलेगा एफ ऑप्शन, उत्तीर्ण नहीं हुए, एफ जो दिखाई दे रहा है उत्तीर्ण नहीं हुए, नॉट पास्ड या ऑब्लिक में लिखा हुआ है फेल्ड। ठीक है, तो उसी को हम लोग ले लेंगे टोटल। अब इसमें यह नहीं पूछा हुआ है मेल या फीमेल कितना है, ऐसा नहीं पूछा हुआ है, वो डायरेक्टली पूछा कितने, तो 3000 हमारे पास टोटल है और इसमें एफ का परसेंटेज क्या दिखाई दे रहा है आपको ऊपर में, देखो 10% दिखाई दे रहा है, तो सीधा सीधा 10% निकालेंगे वो आ जाएगा 300, इसमें तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलें। चलिए फास्ट तो नहीं हो रहा है, वैसे फास्ट होगा तो आप लोग वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
स्थानीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन में कुल कितनी छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ, टोटल कितनी छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ आपको बताना है। हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट गॉट प्लेसमेंट इन लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, दोनों को एक साथ मिला के वो पूछ रहे हैं कितना हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। इसमें मेरे को ज्यादा शॉर्ट तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी जितना शॉर्ट कर सकता था उतना किया हमें। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 3000 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3000 है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्थानीय संगठन लोकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो लोकल ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पे सी, सी दिखाई दे, सी का परसेंटेज वहां पे कितना दिखाई दे रहा है, 25% दिखाई दे रहा है, 25/100, 3000 × 25/100 कर लिए। आगे चलेंगे, यहां पे फीमेल की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो सी वाले हम लोग रेशियो का देखेंगे, 2:1, उधर वाला फीमेल है तो 1/3 क्या हो जाएगा, 3, 2+1 क्या हो जाएगा, 3, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया लोकल ऑर्गेनाइजेशन के। तो अब इसी में साथ साथ ये पूछा हुआ है कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय संगठन का भी हमको लेना है, तो अगेन 3000 × यहां पे देखेंगे राष्ट्रीय संगठन का कितना दिया हुआ है, रेशियो डी में है क्या ये, 15/100 कर लेंगे, 15% है तो 15/100 कर लेंगे। आगे चलेंगे रेशियो को देखेंगे, 4:5 है, उसमें से हमको क्या लेना है, फीमेल्स को लेना है, तो वो कौन सा पार्ट है, वो 5 पार्ट है, तो 5/9 कर लेंगे। तो ये पूरा लंबा से बन जाएगा। अब इसको एक एक को हमको सॉल्व नहीं करना है, उसको भी सॉल्व करने का तरीका है। यहां पे हमको क्या कॉमन दिख रहा है, 3000 उसमें भी है इसमें भी, दोनों में 3000 है कॉमन ले लिए, 100 है नीचे में उसको भी कॉमन, दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, देखो अंदर बच जाएगा 25/3, पहले वाले में 25/3 बच जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में क्या बच जाएगा, देखो बच रहा है 15 × 5/9, उसको जब आप लोग कैंसिल करेंगे तो वो भी 25/3 हो जाएगा, दोनों 25/3 हो गए। अब 3000/100 है, उसको कैंसिल करके हम लोग क्या कर लिए, 30 कर लिए, और वो हो जाएगा 50/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 500। कैलकुलेशन कितना करना पड़ा, बस एक छोटा सा, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन है एक छोटा सा करना पड़ा, और ये पूरा का पूरा हमसे सॉल्व हो गया। ऐसा हमको एग्जाम में करना चाहिए, बजाय इसके कि एक एक चीज को कैलकुलेट करके जोड़ते रहें, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है ना, तो हमको होता है कभी कभी कोई क्वेश्चन रहता है कि लेंथी हो जाता है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जहां पे आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका मिल जाएगा कि उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेसमेंट नहीं पाने वाले छात्राओं की संख्या कितनी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट द प्लेसमेंट। देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो, आप लोग उसको इग्नोर करेंगे, मेरे को जब फील होता है तो ऐसा मैं बोलता हूं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहां पे क्या प्लेसमेंट नहीं पाने वाले, तो नहीं पाने वाले क्या दिया है, ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है टेबल में, ई का परसेंटेज देखो ऊपर में कितना दिया हुआ है, 20%, कितना दिया हुआ है, 20%। तो हम लोग 3000 का क्या ले लेंगे, 20% ले लेंगे, 20/100 कर लेंगे उसको, 3000 का 20%, 20/100 कर लिए। अब आगे क्या पूछा हुआ, छात्राओं की संख्या फीमेल्स को पूछा हुआ है, तो अगेन रेशियो में देखेंगे, 7:5 है रेशियो, उसमें फीमेल्स का पार्ट उस साइड है, देखेंगे टेबल में उस साइड लिखा हुआ है मेल रेशियो फीमेल है, उधर फिफ्थ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, आउट ऑफ 7+5 मतलब 12 का, मतलब किसका, 12 का, तो 7/ क्या कर लेंगे, 12 हम लोग कर लेंगे। उसको सॉल्व करेंगे तो देखो वहां पे फिर से 3000/100 है, कैंसिल हो जाएगा वो, तो 30 × 20 × 5/12 हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 250। तो बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन है, ठीक है 250 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा बनाना था इसको, दोनों उधर पाई चार्ट और टेबल से मिलाकर क्वेश्चन ऐसे हम लोग बनाते चले आ रहे हैं। अभी और देखें, अभी और क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन था, सिक्स में चलते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, देखो सिक्स में क्या दिया हुआ है, कितने विद्यार्थियों का समूह बी में प्लेसमेंट हुआ, हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट प्लेसमेंट इन ग्रुप बी। तो ये तो बहुत इजी है, क्यों इजी है, ग्रुप बी में जाओ देखो क्या दिख रहा है, ग्रुप बी औसत वेतन 5,00,000 रुपए से अधिक, जो भी उससे कोई मतलब नहीं, ग्रुप बी से मतलब है हमको। ठीक है, तो ग्रुप बी का क्या दिखाई दे रहा है, परसेंटेज 10% दिखाई दे रहा है, ग्रुप बी का परसेंटेज 10% दिखाई दे रहा है, तो 3000 का 10% डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बन जाएगा, तो मैं लिख का बताया हूं, सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं है, 3000 का 10% 300, दैट्स ऑल। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो राष्ट्रीय संगठन में प्लेसमेंट पाने वाले छात्रों की संख्या का उसी समूह के कुल विद्यार्थियों से अनुपात कितना है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं जो बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है, मैं उसको आपको बताने जा रहा हूं। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट रिसीविंग प्लेसमेंट इन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू द टोटल स्टूडेंट ऑफ द सेम ग्रुप। क्या हुआ है, ऐसे प्रश्नों को कई सारे बुक्स में क्या सॉल्व किया है,
यदि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है तो पहले क्या किया है, वो टोटल से ये जो बोल रहा है उसको कैलकुलेट किया हुआ है, अलग अलग कैलकुलेट किया हुआ है, फिर उसके बाद उसका रेशियो निकाला हुआ है, ऐसा वो अलग अलग बुक्स में किया हुआ है जो भी है राइटर्स। लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता हमको नहीं है, जब रेशियो दिया है तो वहां से डायरेक्ट मिल जाएगा, हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों कैलकुलेशन को टफ किया गया है ऐसे बुक्स में मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है हमको। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय संगठन वहीं चलते हैं हम लोग, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप डी में चलते हैं, वहां सॉरी डी में चलते हैं। उसके बाद वहां पे क्या दिया हुआ है, प्लेसमेंट पाने वाले छात्र, ठीक है। राष्ट्रीय संगठन 4:5 है तो उसमें 4 वाला जो मेल पोर्शन है तो 4 लिख लेंगे इस साइड। और रेशियो में क्या दिया है, उसी समूह के कुल विद्यार्थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल क्या कर लेंगे 4+5 कर लेंगे, एक तरफ रेशियो के उस पर क्या कर लेंगे 4+5 कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा ये 4:9 डायरेक्टली आ गया। हमको क्या करना पड़ा, 3000 से कुछ काम पड़ा क्या? कुछ काम नहीं करना पड़ा, लेकिन बुक्स में ऐसा किया हुआ है। अब वेल नोन बुक्स में देख सकते हैं, बार बार नाम लेना अच्छी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्लेसमेंट नहीं पाने वाले छात्राओं की संख्या का उस समूह के कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कितना है? What is the ratio of number of female students who do not get placement to the total number of student in that group? जो placement नहीं पा रहे हैं, मतलब कौन सा ग्रुप है? देखो यहाँ पे E दिखाई दे रहा है, E में चलते हैं, यही placement नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, females का total से निकालना है, तो 5:7 कितना दिया हुआ है, 7:5 दिया हुआ है। देखो 7:5 दिया हुआ है, तो जो 5 वाला पार्ट है वो कौन सा है, फीमेल्स है, फीमेल्स को लिख लें 5। टोटल करना है तो रेशियो डालेंगे, ब्रैकेट में उधर लिख लेंगे 7+5, क्योंकि वही टोटल है, और ब्रैकेट इसलिए क्योंकि रेशियो में कंफ्यूजन मत होकर, तो 5:12 आ जाएगा इसका आंसर। इजी है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इधर, चलिए देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में लड़कों की संख्या उस कंपनी के कुल विद्यार्थियों की संख्या से किस अनुपात में है? What is the ratio of the number of boys in the multinational companies to the total number of students of that company? Multinational company कौन सा ऑप्शन है? A दिखाई दे रहा है यहाँ पे। A में चलेंगे, यहाँ पे 1:2 दिखाई दे रहा है। क्या का निकालना है? Boys का निकालना है, males का निकालना है, total से निकालना है, तो 1 एक साइड रखेंगे क्योंकि वही boys का ratio है, 1:1 total करेंगे 1+2 3, 1:3 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये सर रेशियो वाला क्वेश्चन में बहुत बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक ना एक आपके एग्जाम में आएगा, और आप यदि लंबा कैलकुलेशन में गए तो वही पूरा समय ले लेगा, जबकि बनेगा वो छोटा सा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है अच्छा क्वेश्चन भी हो। देखो हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको कैसे बनाना है। इसमें हमको टोटल की आवश्यकता पड़ेगी, रेशियो निकालना भी है और टोटल की भी आवश्यकता पड़ेगी। कैसे? स्थानीय संगठन में स्थापित छात्रों की संख्या और राष्ट्रीय संगठन में स्थापित छात्रों की संख्या में अनुपात कितना है? यदि अलग अलग ग्रुप्स की बात करेगा, वो अलग अलग ग्रुप्स की बात करेगा, तब हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, या टोटल जो भी डेटा दिया रहेगा उसकी आवश्यकता पड़ेगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट प्लेस इन द लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये 3000 ले लेंगे, वो टोटल है। अब चलेंगे हम लोग, स्थानीय संगठन दिया हुआ है, कितना दिया लोकल ऑर्गेनाइजेशन का परसेंटेज कितना दिया है 25%, तो 25/100 कर लिए। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहां पे छात्रों की संख्या की बात कर रहे हैं तो उसी में देखेंगे 2:1 है, तो 2/3। ये अभी एक चीज का हो गया, रेशियो डालेंगे बीच में रेशियो डालेंगे, आगे चलेंगे फिर से 3000 और उसका कितना परसेंट लेंगे, यहां पे देखो राष्ट्रीय संगठन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कितना दिखाई दे रहा है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपको परसेंटेज उधर देखो डी में देखेंगे 15% दिखाई दे रहा है, तो 15/100 कर लिए। आगे चलेंगे रेशियो में देखेंगे, राष्ट्रीय संगठन का रेशियो कितना दिखाई दे रहा है, 4:5। हमको किसका लेना है, छात्राओं का लेना है, तो क्या हो जाएगा ये, छात्रों का लेना है कि छात्राओं का, छात्रों का लेना है, मेल्स का लेना है, तो 4/9। 9 कहां से आया, 4+5। इस चीज को समझना, एक एक चीज को समझना है कि मैं कहां से डेटा को लिख रहा हूं, बाकी सॉल्व करना तो ईजी है और बनने के बाद तो बहुत ईजी दिखाई देता है, वो कितना सरल चीज बता रहे करके, लेकिन जब डेटा लेने की बात आती है दोनों जगह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हम लोग कर लिए, अब इसके आगे भी देखना है कि इसको कैसे करना है। इसके आप लोग आगे आप लोग देखिए, दोनों तरफ रेशियो में 3000 है, एक ही जगह काट लो उसको, या उसको बोलते हैं हटा लो, ठीक। 100 है, उसको भी हटा लो, क्या बच गया हमारे पास, एक तरफ बचा 25 into 2, तो 50/3, नीचे 3 बच रहा है, तो 50/3,
रेशियो डालेंगे। दूसरी तरफ क्या बच रहा है, देखो 15 इंटू 4 बाई 9 है, तो 15 और 9 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 बाई 3 हो जाएगा वो, ठीक है, तो हो जाएगा 20 बाई 3, ये क्या हो जाएगा 20 बाई 3। तो एक तरफ क्या बचा 50 बाई 3, दूसरी तरफ 20 बाई 3, 3 और 3 एक ही जगह पर है, दोनों को फिर से हटा लो, तो 50:20 दैट विल बी 5:2, कितना हो जाएगा वो 5:2 हो जाएगा। ऐसा इसको सॉल्व करना है। और यदि आप लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उधर को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कटाते आए तो डबल काम करना पड़ेगा, वही वही काम करना पड़ेगा, तो ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना है। रेशियो में ज्यादातर वो कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल करते समय देखना भाई दोनों तरफ को, तभी कैंसिल करना, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगा वो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऐसे ही वाला है, उसको भी ध्यान से देखना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में छात्राओं की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात कितना, अभी इधर छात्राओं दिया, इधर छात्र दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट मल्टीनेशनल कंपनीज टू द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु फेल्ड, जो फेल हो गए। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। 3000 ले लेंगे, 3000 लेने के बाद हम लोग कहां चलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनीज में चलेंगे, ए में चलेंगे, वहां पे परसेंटेज देखेंगे कितना दिखाई दे रहा है, 20%, तो 20 भाई क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। उसके बाद क्या लेना है, यहां पे फीमेल स्टूडेंट लेना है, तो ये रेशियो कितना दिखाई दे रहा है, देखो यहीं पे 1:2 दिखाई दे रहा है, और 2 वाला साइड किसका है, फीमेल का है, तो 2 बाई क्या हो जाएगा 3, 3 कहां से आया 1+2 कर लिए तो हो गया 3। रेशियो लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद 3000 फिर से ले लिए, और ये दिया हुआ है अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात कितना है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु फेल्ड, ठीक है। तो पहले फेल को देखेंगे, फेल में एफ में परसेंटेज दिखाई दे रहा है हमको, 10% दिखाई दे रहा है, तो 10/100 कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, छात्रों की संख्या चाहिए, तो 2/3 हो जाएगा, इधर कितना है मेल्स, यहां पे 2 है, वहां पे उल्टा था रेशियो देखो, तो 2/3 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि दोनों साइड आप जब देखेंगे तो आपको 3000 दोनों साइड दिखाई दे रहे हैं, 100 भी दोनों साइड दिखाई दे रहा है, 2/3 भी 2/3 दोनों साइड भी दिखाई दे रहा है, तो सब के सब क्या हो जाएंगे कैंसिल, सब के सब हट जाएंगे, 3000 हट गया, 100 हट गया, 2/3 भी हट गया, सब के सब क्या हो गए, हट गए, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, बचा इधर 20, उधर बचा 10, 20:10 2:1 के बराबर हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ हमको जो भी चीज दिया था उसको सही सही एक बार लिखना है, बाकी सब कैंसिल हो गए। तो ऐसा इसको सॉल्व करना है, बहुत इजिली ये सॉल्व हो जाता है, अभी देखेंगे इतना सारा हो गया, आप जब दूसरे स्टेप में जाएंगे पूरा कैंसिल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, उसको आप स्मार्टली सॉल्व करेंगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये पाई चार्ट और टेबल को मिला के ये दूसरा पार्ट था, इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, और एक पार्ट ऐसा कुछ मैं लेके आपके सामने आऊंगा, उसको भी समझेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि शेयर जितने ज्यादा होंगे व्यूज उतने आएंगे, मुझे कॉन्फिडेंट मिलेगा कि मैं जो भी चीज बना रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है। थैंक यू।